तो फ्रेंड ये नज़ारा है ग्वारी घाट जबलपुर का, और हम नाव में बैठे हुए हैं और नाव से बैठकर उतर चुके हैं और हम उतरकर और आगे की ओर जा रहे हैं। और आगे को देखते हैं काफ़ी मात्रा में भीड़ आ रही है, पता नहीं काय की भीड़ है। देखते हैं अरे वाह, बागेश्वर वाले पंडित जी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं सभी लोग। तो हमने सोचा हम भी जाकर वीडियो बना लें। तो देखिए फ्रेंड्स, गुरुदेव जी जा रहे हैं, सभी लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो हम भी क्यों ना जय श्री राम का नारा लगाएं। तो देखिए कितने सारे लोग, अरे वहाँ तो क्या बोलते हैं, पनागर में तो दर्शन तक प्राप्त नहीं होते, यहाँ तो वीडियो बनाने को सामने से मिल गया। वाह क्या बात है, तो जय बागेश्वर महाराज की जय हो, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय गोपाल गोविंदाय नमः, जय श्री राम। तो पुलिस वाले भैया अलग कर जा रहे हैं और महाराज जी के लिए जगह बना जा रहे हैं। तो पंडित जी बस बिल्कुल यहाँ पर नहाने के लिए आए हुए हैं और बाकी सब धार्मिक श्रद्धालु बंधु जो हैं लाइन से कतार से सभी मोबाइल ले लेकर वीडियो और सेल्फी। अब पंडित जी जो नहाने की तैयारी में है और नहाने के लिए बिल्कुल व्यवस्थित हो रहे हैं, जो पानी को अभी आँखों में आँचमन लगाए हुए हैं। और पंडित जी जो है अच्छे मूड में आए हुए हैं, अभी माला उतार कर जो है जल में स्पर्श कराए हुए हैं और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। पंडित जी जो है काफ़ी खुश दिख रहे हैं, यहाँ पर माला जपने का कार्यक्रम हो रहा है पंडित जी का, और सभी दर्शक लोग जो है जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो पंडित जी कैसे डुबकी लगाते हैं, बस हम तुमको यही दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो पंडित जी की नहाने की वीडियो देखिए, नर्मदा मैया में कैसे गोता लगाते हैं गुरुदेव जी महाराज जी। जय श्री राम, बस देखिए पंडित जी बिल्कुल मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और पंडित जी बिल्कुल कितने समय गोता लगाएंगे पता नहीं, सब बिल्कुल धार्मिक श्रद्धालु बंधु जो है आस लगाए और तक्की लगाए हुए खड़े हुए हैं। पंडित जी ने माला पकड़ाया है उनके सेवकों को, अब देखो गुरुदेव जी के मन में क्या चल रहा है, काफ़ी प्रसन्न दिख रहे हैं। पता नहीं अब लोग तो वीडियो बनाने ही नहीं देते किसी को, लेकिन क्या है वो उनके भक्त हैं, किसी भी तरीके से वीडियो बना लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल गुरुदेव जी आएँ बाएँ साएँ देख रहे हैं, वो हम भी बिल्कुल कैमरा में नज़र लगाए हुए हैं। और पानी काफ़ी प्रफुल्लित है, ग्वारी घाट का नज़ारा है, जो ग्वारी घाट में गुरुदेव जी बैठे हैं। अब कितने समय उनका मन लगता है कि हम नहाएं क्या करें पता नहीं, अब देखते हैं। लेकिन हम कैमरा हटा नहीं रहे हैं, काफ़ी लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं है हमारा। तो हम गुरुदेव जी की पूर्णता वीडियो बनाकर छोड़ेंगे, हमने नहीं छोड़ा बागेश्वर धाम की वीडियो बनाने में, फिर तो ये यहाँ की है भाई साहब। पनागर में भी काफ़ी मुश्किलों के साथ बनाए, तो गुरुदेव जी का सेवक आ गए हैं और गुरुदेव जी जो है चरण वंदना कर रहे हैं नर्मदा मैया से। अब देखते हैं, मेरी ख्याल से लगता है गुरुदेव जी डुबकी लेने लगाने के लिए अंदर घुस रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। गुरुदेव जी बस बिल्कुल अंदर की ओर घुस रहे हैं, अब देखते हैं कितने समय घुस पाते हैं गुरुदेव जी। बिल्कुल देखिए बस घुस चुके हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं गुरुदेव, और डुबका लगा लिए। जय गुरुदेव महाराज की जय हो, जय हो। गुरुदेव जी ने भाई साहब डुबकी लगा लिए भाई साहब, बस बिल्कुल। तो फ्रेंड जय गुरुदेव महाराज की जय हो। तो अपन ऐसा ही वीडियो बनाते रहते हैं, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और खड़ी बोली को भूल नहीं जाना।